गाइस, आज की वीडियो में एक बहुत ही यूनिक तरीके का ट्रक में खरीद के लेके आ चुका हूँ। पूरी तरीके से ट्रक को हैंडमेड बनाया गया है। ये है गाइस एक टाटा 1210 ट्रक। इसका साइज देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत ही कमाल का ट्रक है। आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा बहुत ही अलग अलग ट्रक के साथ। जैसे कि ये एक हमारा US मिलिट्री ट्रक है, आज इसकी फाइट कराएंगे इसके साथ। और ये है एक WL टॉयज का डंपर ट्रक, इसकी भी फाइट कराएंगे हमारे टाटा ट्रक के साथ। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं ये टाटा का ट्रक कितना मजबूत है। इसका बॉक्स देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है गाइस। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये ट्रक कितना ज्यादा बड़ा है। देखो यार फटाफट से यहाँ से भी ट्रक को निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने पैक करके दिया है। अच्छा ये ट्रक पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है यार, आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको चलाने में। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट भी पूरी तरीके से कस्टम। थोड़ी देर में मैं आपको रिमोट भी दिखाऊंगा। तो पहले हमारे टाटा ट्रक को यहाँ से निकालते हैं गाइस। भाई साहब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यार ये ट्रक इतना ज्यादा तगड़ा दिखाई देगा। ये देखो यार इसका साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। पीछे का पार्ट पूरा इसका मेटल का बना हुआ है, सामने तो डिजाइन पूरा का पूरा टाटा ट्रक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ऊपर गुड्स कैरियर बोल के दिया गया है। यहाँ पे देखो यार इस तरह का रेडियम वगैरह इसके ऊपर चिपकाया गया है। यहाँ पे टाटा का लोगो है, साइड में इस तरह की मूछें भी उतारी गई है। भाई साहब मजा आ गया यार। यहाँ पे इसके फोग लैंप्स है ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत यहाँ पे गुड्स वगैरह भी हम लोग कैरी कर सकते हैं। ये है इसका मॉडल नंबर 1210 LPT। अंदर की कैबिन वगैरह भी आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। इसके डोर्स भी हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यार मजा आ गया भाई साहब, हैंडमेड पेंट किया गया है, कलर काफी ज्यादा चमक रहा है भाई साहब। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है, इसके अंदर डलता है डीजल, एक्चुअली इसके अंदर बैटरी डलती है गाइस। यहाँ पे इसका एयर टैंक है, यहाँ पे दो व्हील्स है, यहाँ पे दो व्हील्स है, पीछे की तरफ चार व्हील्स यहाँ पे है, चार व्हील्स यहाँ पे है। ये इसका शाफ्ट भी मेटल का है। यहाँ पे इसका गियर बॉक्स है, यहाँ पे इसका ESC दिया गया है। व्हील्स की क्वालिटी की बात करूं तो व्हील्स पूरे के पूरे रबर के बने हुए हैं। ये ट्रक पूरी तरीके से 8-व्हील ड्राइव है, इसके ये पीछे के 8 व्हील एक साथ घूमते हैं गाइस। सामने के व्हील्स सिर्फ डायरेक्शन के लिए काम में आते हैं। इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस यहाँ पर क्या चीजें दी गई है। ये देख रहे हो ये भी हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर इसके कुछ स्क्रूज वगैरह दिए गए, अगर हम इसको इस तरह से कस देंगे तो खुलेगा नहीं। इसकी टेल लाइट है और ये टेल लाइट प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। यहाँ पे हॉर्न ओके प्लीज बोल के भी दिया गया। अगर इस तरफ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसकी बैटरी लगी हुई है 11.1 वोल्ट की लाइपो बैटरी। बैटरी का साइज काफी ज्यादा बड़ा। इसका रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिमोट फ्लाई स्काई का है। एक्चुअल में इस तरह के जो रिमोट्स है ड्रोन या फिर एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई कराने के लिए यूज करते हैं। पर भाई ने देखो यार हम लोगों को ट्रक के अंदर इस तरह का रिमोट लगा के दे दिया। इसको मैंने कहां से खरीदा ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। ये जॉयस्टिक को यूज करके हम ट्रक को फॉरवर्ड या फिर रिवर्स चला सकते हैं, यहां से इसको लेफ्ट या फिर राइट टर्न करा सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है ट्रिम करने में काम में आ जाएंगी। ऊपर की तरफ दो नॉब्स भी है, यहाँ पे देखो यार इस तरह के स्विचेस भी दिए गए ये रिमोट के अंदर। पीछे की तरफ 8 AA बैटरीज डालनी पड़ती है ये रिमोट को ऑन करने के लिए। ये है इसका एंटीना, पूरी तरीके से 2.4 GHz का रिमोट है। अभी अनबॉक्स करते हैं WL टॉयज डंपर ट्रक। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ गाइस। ये ट्रक को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, वहां पर आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो ट्रक को मैंने निकाल लिया है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, ये पूरा का पूरा एक गेम कंसोल जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर इसके दो जॉयस्टिक्स है, यहाँ पर एक और बटन दिया गया है, यहाँ पे इसका डी पैड है। ये डंपर ट्रक देखो गाइस, टाटा ट्रक के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यार, बहुत बड़ा ग्लास दिया गया है। ये एक मॉडर्न ट्रक है, इस तरह की ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसके हेडलाइट्स है, साइड मिरर्स इसके अंदर भी दिए गए हैं। व्हील्स की क्वालिटी अगर मैं आपको सच बताऊं तो टाटा ट्रक के मुकाबले में इसके व्हील्स काफी तगड़े मेरे को लग रहे हैं। ये थोड़े से फ्लफी है, इसके अंदर एयर डाली गई है। तो ये रहा इसका डंपर, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक। पीछे की तरफ इस तरह के व्हील्स देखने को मिलते हैं, सामने की व्हील्स के मुकाबले में पीछे के व्हील्स काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं। ट्रक पूरी तरीके से 4-व्हील ड्राइव है, इसकी मोटर जो है पीछे के व्हील के अंदर दी गई है। तो गाइस तीनों ही ट्रक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हो टाटा ट्रक इन दोनों ट्रक्स के मुकाबले में कितना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर व्हील्स भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। दोस्तों अभी चलते हैं फटाफट से कराते हैं, इन सभी के बीच में फाइट देखेंगे। ये टाटा ट्रक ये दोनों ट्रक्स के सामने टिक पाता है या नहीं, लेट्स गो एंड फाइट। सभी RC ट्रक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सबसे पहले टाटा ट्रक को टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये रोड पे कितनी स्पीड से चल पाएगा। प्रॉपर तरीके से ट्रक हमारा चल रहा है, यहाँ से टर्न करा लेते हैं। यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना फटाफट तरीके से ये टर्न हो जाएगा। अभी ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक थोड़े से इसके अंदर हल्के दिए गए, सामने कुछ तो अलग मैकेनिज्म इसके अंदर दिया गया है। अच्छा सामने के चार व्हील्स एक साथ टर्न हो रहे हैं गाइस, तभी तो मैं बताऊं इतना फटाफट तरीके से कैसे टर्न हो गया यार। लुक्स भी इस ट्रक के बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जब ये ट्रक रोड पे चलता है तो बहुत ज्यादा रियल टाटा ट्रक जैसा
भारी दिखाई देता है। अभी WL टॉयज के डंपर ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं गाइस। ये ट्रक भी बहुत ज्यादा भारी भरकम है, पर देखो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसके साथ जो रिमोट मिला है ये बहुत ज्यादा गजब क्वालिटी का है यार। और इसके अंदर हम लोग इसका डंपर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं ये बटन दबाकर। देखो अभी ऊपर हो गया, वापस से मैं वही बटन दबाऊंगा तो ये नीचे भी आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ज्यादा कमाल का दिया गया, तो यहाँ से हम लोग इसकी आवाज बंद भी कर सकते हैं या फिर चालू भी कर सकते हैं। अभी US मिलिट्री ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। जब से मैंने इसका शाफ्ट चेंज किया यार, तब से ये ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड से चलने लगा है। ये ट्रक भी बहुत ज्यादा बड़ा है, पर फिर भी देखो यार कितना फटाफट तरीके से टर्न हो जाता है। अभी रेस कराते हैं ये दोनों ट्रक के बीच में, देखते हैं कौन सा ट्रक है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे अभी तक तो WL टॉयज डंपर ट्रक आगे चल रहा था, अभी जैसे ही मैंने दोनों के अंदर फुल स्पीड बढ़ाई है, टाटा ट्रक ने इसको ओवरटेक कर दिया है बहुत ज्यादा आसानी से। और टाटा ट्रक बहुत ज्यादा आगे भी निकल गया यार, इसके आस पास में भी डंपर ट्रक नजर नहीं आ रहा है। टाटा ट्रक ने यहाँ पे बहुत आसानी से रेस को जीत लिया है। अभी देखते हैं ये टाटा ट्रक US मिलिट्री ट्रक को भी रेस में हरा पाता है, यानी US मिलिट्री ट्रक की स्पीड सच में यार थोड़ी सी ज्यादा मेरे को लग रही है टाटा ट्रक के मुकाबले में। अभी काम करते हैं, दोनों के अंदर फुल स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे ही मैंने फुल स्पीड बढ़ाई है, टाटा ट्रक की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसने टेक ओवर कर लिया था मिलिट्री ट्रक को, पर मिलिट्री ट्रक इससे भी ज्यादा तेज मेरे को लग रही है। देखो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, इसने तो टाटा ट्रक को रोड पे हरा दिया था। अभी काम करते हैं, दोनों को ऑफ रोड में रेस लगाते हैं, यहाँ पे देखने गए कौन सी ट्रक जीत पाती है। यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है US मिलिट्री ट्रक ही जीत, क्योंकि यार इसके व्हील्स काफी ज्यादा कमाल के, इस वजह से ये रोड पे और ऑफ रोड में दोनों ही जगह जीत चुकी है रेस में। अभी पुशबैक कराते हैं ये दोनों ट्रक्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी ट्रक है सबसे ज्यादा पावरफुल। बहुत जोर की टक्कर मारी है टाटा ट्रक ने डंपर ट्रक को, और टाटा ट्रक देखो यार धीरे धीरे करके डंपर ट्रक को पीछे ढकले जा रहा है। डंपर ट्रक यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाने की भी कोशिश कर रहा है, पर टाटा ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल है कि देखो यार इसने WL टॉयज डंपर ट्रक को बहुत आसानी से हरा के रख दिया है पुशबैक में। अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर भी करा के देखेंगे, टग ऑफ वॉर में कौन सा ट्रक जीत पाता है। यहाँ पे भी मेरे को टाटा ट्रक जीतता हुआ लग रहा है, डंपर ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है ब्रेक लगाकर इसको रोकने के लिए, पर टाटा ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल है कि देखो गाइस इसने इसको दो दो बार हरा के रख दिया है। अभी देखते हैं टाटा ट्रक रेस में अपनी हार का बदला ले पाता है यानी ये US मिलिट्री ट्रक से। US मिलिट्री ट्रक को तो भाई इसने एक सेकंड के अंदर ही पीछे ढकेलना चालू कर दिया है। यहाँ पर RC US मिलिट्री ट्रक पूरी पावर भी लगा चुका है, फिर भी देखो गाइस टाटा ट्रक ने इसको एक सेकंड के अंदर ही पुशबैक में हरा के रख दिया है। ठीक है, अभी वेट कैरी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले US मिलिट्री ट्रक को टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा और बहुत वजनदार बक्सा रख दिया है, देखते हैं ये इतना वेट लेके जा पाता है। यानी मेरे को लग रहा है कि इसके गियर्स पूरी तरीके से स्लिप हो चुके हैं और व्हील्स को बिल्कुल भी पावर नहीं मिल पा रहा है। अभी देखते हैं ये WL टॉयज डंपर ट्रक इतना ज्यादा वेट लेके जा पाता है, यानी मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा था इतना ज्यादा वेट डंपर ट्रक लेके जा रहा है यार। और देखो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, अच्छी खासी स्पीड इसकी मेंटेन करके चल रहा है, पर इसके नीचे जैसे ही छोटा पत्थर आया है देखो गाइस ये ट्रक पूरी तरीके से यहाँ पर रुक चुका है। अब ये बॉक्स को रखते हैं टाटा ट्रक के ऊपर, देखेंगे गाइस इतना वेट लेकर टाटा ट्रक चल पाएगा या फिर नहीं। ट्रक तो बढ़िया तरीके से चल रहा है, पर इसके सेंटर वाले व्हील्स में कुछ तो आवाज आ रही है यार, आप सुन सकते हो एकदम कड़कड़ाने की आवाज आ रही है। ये ट्रक इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा पावरफुल है कि यार इसके ऊपर मैं एक दो बक्से और भी रख दूं ना वो भी वेट ये लेके जा सकता है। ये है टाटा ट्रक की पावर। इन सभी ट्रक्स को अभी एकदम ऊबड़ खाबड़ जमीन पे चला के देखेंगे गाइस। सबसे पहले टाटा ट्रक को चलाते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी है और छोटे छोटे पत्थर भी है। यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से चल रहा था, अभी थोड़ा सा आगे और लेके जाते हैं गाइस। देखो इसके सामने जैसे ही पत्थर आया है ये ट्रक भी यहाँ पर रुक चुका है। अभी WL टॉयज डंपर ट्रक को टच करके देखते हैं ये कितनी दूर तक ये ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल पाएगा। ये भी देखो यार टाटा ट्रक के बराबर में आके रुक चुका है, इसको पावर नहीं मिल पा रही है। अभी US मिलिट्री ट्रक को चला के देखते हैं गाइस ये किस तरह से चल पाता है उबड़ खाबड़ जमीन पर। ओ भाई इसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इजी था यार, देखो यहाँ पे क्लाइंबिंग भी आ चुकी है, क्लाइंब भी ये बहुत आसानी से कर चुका है। इसके सस्पेंशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और ये सिक्स व्हील ड्राइव भी है, इस वजह से ये कोई भी ट्रेन में आराम से चलता है। ये टाटा ट्रक को मैंने इंडियन स्केल आर्ट के पास से खरीदा था 32,000 में, आप भी चाहे तो खरीद सकते हो। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है अजय, नवीन, सूर्यांश, रिजवान, शशिकांत, समर, जमील, सक्षम, कार्तिक, विश्वास। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।